नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक प्रीवियस पेपर है उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायफेजिक डोसेज फॉर्म, है ना। बायफेजिक डोसेज फॉर्म कौन सा होगा? तो ऑप्शन दिया है सस्पेंशन, साइरप्स, गार्गल्स या फिर इलेक्जिर्स। तो इसमें देखो, ये बायफेजिक यानी इसमें टू फेज होता है ना। अगर आप देखोगे सस्पेंशन और एमल्शन में, तो सस्पेंशन क्या होगा, सॉलिड इन लिक्विड होता है, सॉलिड इन लिक्विड होगा। और जो एमल्शन होता है ना, वो लिक्विड इन लिक्विड होता है। इस टाइप के ये बायफेज, दो फेज बनते हैं ना इसमें। तो इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, सस्पेंशंस, ठीक है। तो आप एक काम करो, साइमल्टेनियसली वीडियो को पॉज करके हमारे साथ इनके आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो तभी आपको आपका भी स्टडी पैटर्न पता चलेगा। अब ये साइरप, गार्गल्स और इलेक्जर्स है, ये मोनोफेजिक में आते हैं सारे के सारे। गार्गल्स तो एक्सटर्नल में आएगा और ये साइरप, इलेक्जर इंटरनल में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर, कौन से टैबलेट के लिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। ऑप्शन होगा चिवेबल टैबलेट्स, फिल्म कोटेड टैबलेट, एंटरिक कोटेड टैबलेट्स या फिर सब लिंगुअल टैबलेट्स। तो इसमें देखो, ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चिवेबल टैबलेट्स, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन यानी उसे तोड़ना, है ना। तो हम च्यूएबल टैबलेट्स को तो दांतों में ही तोड़ देते हैं, तो इसका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सीडेटिव एक्शन इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ऑप्शन दिया है आलो, डिजिटलिस, विनका या फिर अश्वगंधा। देखो, ये सीडेटिव एक्शन जो मिलता है उसका सही जवाब है ये ऑप्शन डी, अश्वगंधा का होता है, सीडेटिव एक्शन होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर गैस गैंग्रीन, ठीक है। ये गैस गैंग्रीन का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है। ऑप्शन दिया है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस, ई कोला या फिर नन ऑफ दीज। तो गैस गैंग्रीन जो होता है वो होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस। नेक्स्ट देखो, द बनाना फ्रूट इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर नन ऑफ दिस। तो देखो, ये जो बनाना फ्रूट्स है इसके अंदर जो विटामिन्स पाया जाता है वो होगा ऑप्शन बी, जो है विटामिन सी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट एज पर द फार्मासिस्ट एक्ट 1948, फार्मेसी एक्ट है ना ये, व्हाट इज द एज प्रिस्क्राइब्ड। तो एज क्या होना चाहिए फार्मासिस्ट बनने के लिए, उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। ऑप्शन दिया है 16 इयर्स, 18 इयर्स, 21 इयर्स या फिर नो सच लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड, ऐसी कोई लिमिट नहीं होगी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ये 18 इयर्स की कंडीशन है फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलैप्सिबल ट्यूब्स मेड फ्रॉम द लेड इज नॉट यूज्ड फॉर द फार्मास्यूटिकल पैकिंग ड्यू टू। ये लेड से बने हुए जो कोलैप्सिबल ट्यूब है वो नहीं यूज़ किए जाते हैं, क्यों? तो ऑप्शन है लेड बीइंग एन इन्फेरियर मेटल, सेकंड ऑप्शन है रिस्क ऑफ लेड पॉइजनिंग, थर्ड ऑप्शन है लेड बीइंग सॉफ्ट इन नेचर या फिर लेड नॉट बीइंग गुड इन अपीयरेंस। देखो, यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ये रिस्क ऑफ लेड पॉइजनिंग होता है इस लेड के साथ में, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखो पूछता है अ ड्रग स्टोर इज कॉल्ड एन आइडियल ड्रग स्टोर इफ इट्स इन्वेंटरी इज, ठीक है। ड्रग स्टोर को हम आदर्श ड्रग स्टोर कब बोलेंगे, जब उसमें माल कितना भरा होगा इन्वेंटरी। देखो, ऑप्शन ए है इन एक्सेस, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इन एडिक्वेट मतलब अपूरे प्रमाण में होना चाहिए, ठीक है, जितना लगता है उससे भी कम,
या फिर मीगर होना चाहिए, सी ऑप्शन दिया है, और डी है एट लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट। देखो इसका सही जवाब होगा ये ऑप्शन डी, ठीक है, बिटवीन एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट। देखो ज़्यादा माल भरोगे तो भी हमारे यहाँ वो माल सड़ जाएगा, है ना, एक्सपायर हो जाएगा, और कम भी नहीं रख सकते। अगर पेशेंट को इमरजेंसी है, वो चीज़ चाहिए, तो आपके पास वो होना ज़रूरी है, तो आपको ये बिटवीन लेवल के साथ जाना है, वही आइडियल स्टोर होता है। डिजिटलिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, डिजिटलिस की फैमिली पूछिए आपको, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है सोलानेसी, स्क्रोफुलेरियासी, रुटासी या फिर लिनियासी। तो देखो डिजिटलिस की फैमिली होती है स्क्रोफुलेरियासी करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अभी, अ जनरल टर्म डिनोटिंग द इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट इज, ऑप्शन है एंजाइना पेक्टोरिस, करोनरी थ्रोम्बोसिस, कार्डियटिस या फिर ब्राडीकार्डिया। तो देखो हमने आपको बताया है कि जब भी इन्फ्लामेशन बोलेगा तो इटिस तो आना है, इन्फ्लामेशन के लिए क्या टर्म होता है, इटिस। तो देखो कौन सा ऑप्शन में इटिस है, कार्डियटिस, और कार्डियक मसल तो हार्ट के लिए होता है, तो हार्ट का इन्फ्लेमेशन क्या होगा, कार्डियटिस। नेक्स्ट है ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है, कीटोसिस, अल्डोसिस, पेंटोसिस या फिर टेट्रोसिस। देखो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, दोनों के दोनों हेक्सोज शुगर होता है, और फ्रुक्टोज जो होता है वो कीटोज होता है, और ग्लूकोज जो होता है वो होता है एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग अल्डोज, फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है तो कीटोसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डू वाटर सोल्यूबल विटामिन इंक्लूड, वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में पूछा है, ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के। तो वाटर सोल्यूबल के लिए आपको पता होना चाहिए, इसका जवाब है ऑप्शन बी विटामिन सी, आप ये फड़के से याद रख लो, ए डी ई के होता है ना, ए डी के ई बोल दो यहाँ पे, फड़के होगा, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और बचे वाले सारे वाटर सोल्यूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नर्व सेल दैट कन्वेज इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरीफेरी, ठीक है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहाँ से अगर जो भी इम्पल्स जा रहा है पेरीफेरी की तरफ, तो उस नर्व सेल जो कन्वे कर रही है इम्पल्स, न्यूरॉन को क्या बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन में दिया है सेलिया, अफ्रंट न्यूरॉन या फिर इफ्रंट न्यूरॉन या फिर डेंड्राइट्स, क्या बोलेंगे। तो देखो जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरीफेरी की तरफ जो रिस्पॉन्स जाता है ना, जाने वाला है, इसे ई बोलना है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन होगा इफ्रंट न्यूरॉन्स होते हैं ये, जाने वाले के लिए हम क्या बोलेंगे ई, और आने वाले के लिए क्या बोलेंगे ए। तो रिस्पॉन्स अगर आ रहा है सेंट्रल नर्वस की सिस्टम की तरफ, तो वो सेंसरी न्यूरॉन से आएगा, जिसे अफ्रंट न्यूरॉन बोलना है, और जो जाने वाला रेफरेंस है ई जो बोलते हैं ना इमाइग्रेशन, तो ये ई वाला जो है वो जाने वाला है, तो इसे इफ्रंट न्यूरॉन बोलना है, ये मोटार न्यूरॉन से जाता है, मोटार जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ से ये जाएगा, मोटार से जाने वाला इफ्रंट न्यूरॉन और सेंसरी से आने वाला अफ्रंट न्यूरॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अभी, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट वॉज पास्ड इन, कब पास हुआ ये नार्कोटिक साइकोट, तो ऑप्शन दिया 1985, 1993, 1995 और 1945। तो इसका सही जवाब है 1985 में ये पास हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है अभी, बोलता है ब्यूबॉस आर सीन इन, ब्यूबॉस कहाँ दिखते हैं, ऑप्शन दिया है प्लेग, लिम्फोमा, फिलारियासिस या फिर मलेरिया। तो ये ब्यूबॉस जो होता है ना, ये एक प्लेग का टाइप होता है, तो इसका ऑप्शन होगा ए प्लेग, ब्यूबॉस आर सीन इन प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल टेस्ट यूज्ड फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स इज, जनरल टेस्ट जो फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है, ऑप्शन दिया है बेनेडिक्स टेस्ट, मॉलिस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट या फिर बारफोल्ड टेस्ट।
देखो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ये ऑप्शन बी, मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट ही सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए एक जनरल टेस्ट है, तो इसी के साथ जाना है आप लोगों ने। नेक्स्ट है, इन एंटी एसिड प्रिपरेशन कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट ऑफ कैल्शियम इज बैलेंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एंटी एसिड प्रिपरेशन में जो कैल्शियम से कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट दिखाता है कैल्शियम कार्बोनेट से, है ना, तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या देना चाहिए? एल्यूमिनियम एंटी एसिड, मैग्नीशियम एंटी एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर अल्जिनिक एसिड। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप कैल्शियम और एल्यूमिनियम दोगे तो इसके साथ में कॉन्स्टिपेशन तो होना ही होना है, और इसको टॉलरेट करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए आपने ये मैग्नीशियम देना है। मैग्नीशियम के साथ में डायरिया इफेक्ट होता है, तो ये इसको बैलेंस कर जाएगा, है ना। तो ऑप्शन बी होगा, कॉन्स्टिपेशन यानी सॉलिड स्टूल मैटर हो जाएगा और डायरिया से एकदम पतला हो जाएगा, तो ये गाढ़ा पतला एकदम बैलेंस हो जाएगा। तो याद रखना है, अपने कैल्शियम और एल्यूमिनियम जो है कॉन्स्टिपेशन करते हैं, और मैग्नीशियम जो है वो डायरिया करेगा, पतला करेगा, लैक्सेटिव इफेक्ट देगा, है ना। तो इन दोनों को, मार्गाल्ड्रेट तो आपको पता है, मार्गाल्ड्रेट में एक में मैग्नीशियम भी होता है और एल्यूमिनियम, दोनों बैलेंसिंग इफेक्ट देता है ये मार्गाल्ड्रेट, एंटी एसिड करके यूज होता है ना। नेक्स्ट देखो, व्हाट टाइप ऑफ कोटिंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट टैबलेट्स फ्रॉम डिसइंटीग्रेटिंग इन द स्टमक। कौन सा कोटिंग देना चाहिए कि उसका डिसइंटीग्रेशन स्टमक में ना हो, बाईपास हो जाए वो? ऑप्शन दिया है फिल्म, एंटेरिक, कंप्रेशन या फिर शुगर। तो यहाँ पे देखो नाम में ही है ना, ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, एंटेरिक इसके नाम में होता है। ये जो कोटिंग होगा ये स्टमक में तो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा इसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब होता है एंटेरिक कोटिंग। एंटेरिक कोटिंग से डिसइंटीग्रेशन स्टमक में है, जो बाईपास हो जाता है, वहाँ पे वो की घुलेगी नहीं, जो भी गोली होगी वहाँ नहीं घुलेगी, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके घुलेगी। नेक्स्ट है, अ कंडीशन इन विच द कोरोनरी सर्कुलेशन बिकम्स ब्लॉक्ड एंड द कार्डियक मसल सेल्स डाई फ्रॉम ऑक्सीजन स्टारवेशन। देखो ऑक्सीजन की बहुत डिमांड है, कार्डियक मसल्स मरते जा रहे हैं और कोरोनरी सर्कुलेशन में एक ब्लॉक भी आ गया है ना, ब्लड का ब्लॉक भी आ गया है, तो इस तरह की कंडीशन होती है, ये हार्ट अटैक की कंडीशन है दोस्तों। तो देखो ये ऑप्शन दिया है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, अंजाइना पेक्टोरिस या फिर टैकीकार्डिया। देखो ये सारी कंडीशंस होती है, इसका सही जवाब है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये कंडीशन होती है हार्ट अटैक की, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द कंपाउंड इज नॉट एन एंटी ऑक्सीडेंट। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, ये हाइपोक्लोरस, सॉरी ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, ये फॉस्फोरस एसिड, ये पोटेशियम परमैंगनेट या फिर नाइट्रोजन। तो एंटी ऑक्सीडेंट कौन सा नहीं है पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ये सल्फर डाइऑक्साइड एंटी ऑक्सीडेंट है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड भी, ये भी एंटी ऑक्सीडेंट होगा, नाइट्रोजन भी, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो बचा ऑप्शन सी, ये ऑक्सीडेशन करवाता है दोस्तों, ये ऑक्सीडेशन को बढ़ावा देता है, ये ऑक्सीडेशन को रोकता नहीं है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ वन ऑफ द मेजर यूजेज ऑफ अलो। अलो का यूज़ बताना है आपको। ऑप्शन दिया है एज अ सेडेटिव, एज अ लैक्सेटिव, एज अ सीएनएस स्टिमुलेंट या फिर डायुरेटिक। तो देखो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन बी, ये लैक्सेटिव करके यूज होता है और हम इसे एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो स्किन के लिए यूज कर सकते हैं, इरिटेशन वगैरह के लिए, तो इसका यहाँ पे मेजर यूज है लैक्सेटिव करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोग्रेसिव डिहाइड्रेशन ऑफ इनडाइजेशन मटेरियल्स एंड ऑर्गेनिक वेस्ट प्रायर टू द एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी इज। देखो लास्ट की जो एलिमिनेशन की प्रोसेस है उसके पहले चल रहा है ये प्रोग्रेसिव डिहाइड्रेशन ऑफ इनडाइजेस्टिबल मटेरियल्स एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, इसे थोड़ी देर के लिए हम फूड बोल देते हैं, डाइजेस्टिबल फूड मटेरियल। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कॉम्पैक्शन, एक्सक्रीशन, एब्सॉर्प्शन या फिर इंजेशन। तो देखो इसका सही जवाब होगा ये ऑप्शन ए, कॉम्पैक्शन। एक्सक्रीशन तो बाहर जाने वाली प्रोसेस, इंजेशन तो इनपुट की प्रोसेस है, और ये एब्सॉर्प्शन जो भी मटेरियल एब्सॉर्ब किया जाता है ना, इसे बोलते हैं। तो
ये जो है प्रोग्रेसिव डिहाइड्रेशन ऑफ इनडाइजेस्टिबल मटेरियल जो है वो कॉम्पैक्शन होता है, इस चीज़ को याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अभी, देखो बोलता है ग्लोव्स आर ओन फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट, जो हैंड ग्लोव्स होते हैं ना वो सभी रीजन्स के लिए पहने जाते हैं, पर एक रीजन ऐसा है जिसके लिए नहीं पहने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो, टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन पेशेंट टू अनदर, एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को ना हो इसलिए ग्लोव्स पहना जाता है। सेकंड ऑप्शन है टू रिड्यूस द नीड फॉर द फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग बाय द हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है, ये हैंड वॉशिंग का ज़्यादा से ज़्यादा ना करना पड़े, फ्रिक्वेंसी कम हो जाए, बार बार हाथ धोने जाना पड़ रहा है तो ग्लोव्स पहनेंगे तो ज़्यादा देर हाथ धोना नहीं पड़ेगा इसलिए पहने जाते हैं। नेक्स्ट होगा टू रिड्यूस द नर्स एक्सपोजर टू ब्लड बॉर्न पैथोजन, ठीक है, नर्स को किसी ये ब्लड से पैथोजन्स का इन्फेक्शन ना हो जाए उसके लिए, या फिर टू मिनिमाइज द ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द नर्स टू द पेशेंट ड्यूरिंग द इन्वेजिव प्रोसीजर, जो भी ब्लड रिलेटेड प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें नर्स के जो भी पैथोजन से ऑर्गेनिज्म से वो पेशेंट को ना इन्फेक्शन करे इसलिए पहने जाते हैं। तो देखो इसमें सही जवाब होना है ये जो है ना ऑप्शन बी, ये सही जवाब होगा इसका, क्योंकि ये देखो ये कोई हैंड वॉशिंग रोकने के लिए हम ग्लोव्स नहीं पहनते, ग्लोव्स पहनेंगे फिर भी आपको हैंड तो वॉश करना ही पड़ेगा, है ना, ग्लोव्स पहने तो हैंड वॉशिंग को अवॉइड कर सकते हो, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा बी। बाकी सब चीज़ों में ग्लोव्स तो पहनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड इज अ चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स कौन सा होगा, ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स या फिर लिपिड्स, तो इसमें सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ दिस इज यूज्ड एज सपोजिटरी बेस, सपोजिटरी का बेस कौन सा है, ऑप्शन दिया है कोकोआ बटर, ग्लिसरीन, वेजिटेबल ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल, तो इसका सही जवाब होगा ये कोकोआ बटर, जिसे थियोब्रोमा ऑयल भी बोला जाता है ना, थियोब्रोमा ऑयल करके होता है, सपोजिटरी का बेस बोल के इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फोर बेसिक टाइप्स ऑफ द टिश्यूज दैट द ह्यूमन बॉडी कंटेंस, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के जो भी फोर बेसिक टाइप्स है टिश्यूज़ के वो बताना है। ऑप्शन ए दिया है एपिथेलियल कनेक्टिव मसल एंड नर्वस टिश्यूज, सेकंड है लूज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यूज, बोन कार्टिलेज ग्लैंड्स एंड एडिपोज टिश्यूज, एंड ऑप्शन डी है मसल कार्टिलेज ग्लैंडुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो हमने इसका लेक्चर बनाया नीट साइंस स्कॉलर्स के जो भी हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, तो इसका सही जवाब होगा ये ऑप्शन ए, इसमें होता है एपिथेलियल कनेक्टिव मसल एंड नर्वस टिश्यू, ये फोर बेसिक टाइप्स होते हैं टिश्यूज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड, इसेंशियल फैटी एसिड पूछा है ना, ऑप्शन दिया है लिनोलिक एसिड, फोलिक एसिड, स्टेरिक एसिड या फिर लिप्टोलिक एसिड, देखो ये इसेंशियल फैटी एसिड्स पर भी हमने लेक्चर बना दिया है, तो इसका सही जवाब होगा ये लिनोलिक एसिड ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपके सारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते जा रहे होंगे, ठीक है, आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं अभी। देखो पूछता है द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया हैज़ टाइटल्स इन इंग्लिश एंड विच अदर लैंग्वेज, ठीक है, हमारे इंडियन फार्माकोपिया जब बना था फर्स्ट तो उसमें दो लैंग्वेज थी, टाइटल्स इंग्लिश थे और मोनोग्राफ्स जो थे वो अलग लैंग्वेज में थे, वो कौन से लैंग्वेज में थे, तो बोलता है हिंदी, फ्रेंच, लैटिन या फिर जर्मन, कौन सा लैंग्वेज था वो दूसरा वाला, तो देखो ये दूसरा वाला जो लैंग्वेज था वो था ऑप्शन सी करके लैटिन भाषा में था वो। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज अ मेथड ऑफ द साइज सेपरेशन, साइज सेपरेशन का कौन सा मेथड है,
ऑप्शन है एट्रिशन, इम्पैक्ट, कटिंग या फिर सीविंग। तो यहाँ पे तो सबको आता ही होगा इसका जवाब। तो ये देखो, ये एट्रिशन, इम्पैक्ट और कटिंग जो है ये साइज रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये प्रिंसिपल सारे साइज रिडक्शन के लिए है, और साइज सेपरेशन के लिए तो छन्नी लगती है ना। तो ये सीव्स जो होते हैं ना अलग अलग नंबर के, वो ये इसमें आते हैं, वो छन्नी होती है अलग अलग साइज की, तो इससे साइज को सेपरेट किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट देखो, HIV इज ट्रांसमिटेड व्हेन विच पार्ट ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट विद द ब्लड और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द हेल्दी पर्सन। जो हेल्दी पर्सन है उसके ब्लड या म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ में HIV जो ग्रस्त पेशेंट है उसका कौन सा बॉडी का पार्ट कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा हेल्दी पर्सन। तो ठीक है, हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड बनाने के लिए ये जो HIV ग्रस्त है उसका कौन सा पार्ट आएगा इन्फेक्शन में, हेयर आएगा, ब्लड या और ब्लडी फ्यूल्स आएगा, क्लोथिंग और स्किन आएगा, या फिर ड्रग्स और अल्कोहल आएगा। तो ये HIV ट्रांसमिशन पे क्वेश्चन सवाल है, तो इसका जवाब तो आसान है, ऑप्शन बी होगा। ये जो भी HIV होता है वो ब्लड में होता है, ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। अ सब्सटेंस विच कैन किल द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोस्टैटिक, फंगीसाइड, डिसइंफेक्टेंट या फिर बैक्टीरिसाइड। तो देखो, ये जो कील होता है ना, कील को क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं, साइड। कील को क्या बोलना है, साइड, और जिसकी ग्रोथ को रोका जाता है उसे स्टैटिक बोलते हैं, है ना। तो ये देखो यहाँ पे साइड है लेकिन फंगीसाइड है, फंगल को मारने वाला होगा। ये बैक्टीरिसाइड जो बैक्टीरिया को किल करता है, मारता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, यहाँ पे ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो बॉडी के जो भी होस्ट सेल होगा उसके अंदर कौन सा नहीं होता है, उसके अंदर होगा तो उसे इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा। तो इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन है वायरस, क्लैमाइडिया, माइकोप्लाज्मा या फिर रिकेट्सिया। तो देखो, बहुत सारे वायरसेस जो होते हैं ना वो इंट्रासेलुलर ही होते हैं, और बहुत सारे बैक्टीरिया भी इंट्रासेलुलर होते हैं। जैसे यहाँ पे वायरसेस तो इंट्रासेलुलर आ गया, क्लैमाइडिया भी इंट्रासेलुलर है, रैकेट्सिया भी इंट्रासेलुलर है, ट्रैपानोसोमा भी इंट्रासेलुलर होता है। यहाँ पे ये ऑप्शन जो है माइकोप्लाज्मा करके, ये जो होगा वो इंट्रासेलुलर नहीं होगा, तो हमें वही तो पूछा है ना। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पाउडर शुड बी स्टराइल। कौन सा पाउडर स्टराइल होगा। ऑप्शन दिया है सर्जिकल डस्टिंग पाउडर, यूटेक्टिक पाउडर, टालकम पाउडर या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखो सही जवाब होगा ये ऑप्शन ए, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। हम ये वाउंड के ऊपर भी डालते हैं ना, तो अगर सर्जिकल डस्टिंग पाउडर है वाउंड पे इस्तेमाल कर रहे हो तो ये तो स्टराइल ही होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो इन्फेक्शन हो सकता है ना, तो वो स्टराइल ही होना चाहिए, इट मस्ट बी स्टराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज केमिस्ट्री ऑफ। किसकी केमिस्ट्री होती है ये। ऑप्शन है ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, लिविंग सिस्टम, अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखो नाम में ये केमिस्ट्री ऑफ बायो, बायो मतलब क्या, लिविंग सिस्टम होता है ना, तो ऑप्शन बी के साथ जाना है। नेक्स्ट सवाल है, विच वन ऑफ द एसिड्स इज नॉट अ मिनरल एसिड। कौन सा मिनरल एसिड नहीं है। ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, एसिटिक का एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो यहाँ से ये जो ऑप्शन बी है ना, ये ऑर्गेनिक एसिड के अंदर आता है, बाकी सारे जो है मिनरल एसिड्स है। ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसी के साथ आपने जाना, ये ऑर्गेनिक एसिड का टाइप है। नेक्स्ट है, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द फेटस। फेटस को प्रोटेक्ट करने वाला कौन सा स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है डिसीड्यूआ, अमनियोटिक फ्लूइड, कॉर्पस ल्यूटियम या फिर योक सैक करके। तो इसका सही जवाब होगा ये अमनियोटिक फ्लूइड, यही है जो फेटस को प्रोटेक्ट करता है बाहर के जो भी इम्पैक्ट होते हैं उससे बचाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है अभी।
देखो इसमें पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज एज अ कार्डियोटोनिक, है ना। ऑप्शन दिया है सेना, रुबाब, आलो या फिर डिजिटलिस। तो देखो इसमें से जो ये डिजिटलिस होता है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्डियोटोनिक होता है, फोर्सिबल कार्डियोटोनिक होता है ये। तो इसका ऑप्शन डिजिटलिस सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना मायोकार्डियम का, उसे बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए इसको कार्डियोटोनिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फंक्शन ऑफ द स्टमक, स्टमक का कौन सा फंक्शन नहीं है। बोलता है अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, बल्क स्टोरेज, केमिकल डाइजेशन या फिर मैकेनिकल ब्रेकडाउन। देखो ये तो बहुत आसान सवाल है ना, ये जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है वो तो हम हमारे दांतों से करते हैं, उसका और स्टमक का कोई रिलेशन है नहीं। मैकेनिकल ब्रेकडाउन करते हैं ना हम, फूड को रिड्यूस करता है उसका साइज, तो दांतों से करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये कोई स्टमक का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है मेजर फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज टू मीट द, कार्बोहाइड्रेट का क्या मेजर फंक्शन है। ऑप्शन है एनर्जी नीड्स ऑफ द बॉडी, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट या फिर एंजाइम रिक्वायरमेंट। ये भी बहुत आसान सवाल है, तो कार्बोहाइड्रेट का मेजर फंक्शन होगा ये एनर्जी नीड ऑफ बॉडी करता है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी भी है ये, चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लैमाइडिया कॉजेस, क्लैमाइडिया क्या कर सकता है। ऑप्शन दिया इनफर्टिलिटी, न्यूमोथोरैक्स, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन इन फेटस या फिर नन ऑफ दिस। तो क्लैमाइडिया क्या कॉज करेगा, क्लैमाइडिया कैन कॉज द इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, विच इज द स्ट्रक्चर दैट प्लेज द बिगेस्ट रोल इन सेलुलर फंक्शन, कौन सा स्ट्रक्चर है जो सेलुलर फंक्शन में बहुत बड़ा रोल कर प्ले करता है। ऑप्शन ए गॉल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देखो ये रेस्पिरेशन में भी काम करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में भी काम करता है, मेटाबॉलिज्म में भी काम करेगा, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज द बिगेस्ट रोल इन द सेलुलर फंक्शन। और ये देखो कुछ तो यहाँ पे ये आखिरी सवाल है, क्या पूछता है ये, एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड इज, एरोमेटिक अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन है टायरोसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन या फिर ग्लूटामाइन। देखो एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग जो अमाइनो एसिड होगा वही इसका जवाब है, तो ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन ए टायरोसिन, टायरोसिन में एरोमेटिक रिंग होता है तो ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने अभी आपके आंसर्स चेक कर लेना है, काफ़ी सारे सही हुए होंगे, नहीं भी हुए तो कोई दिक्कत नहीं, आपने अच्छे से रिवीजन को बढ़ाइए, जो भी पार्ट आप कर सकते हो उसे कवर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और हमारे मैथ के चैनल से भी कनेक्ट रहिएगा जीरो डिजिट करके, और नीट साइंस स्कॉलर से भी कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट मैटर हम जितना भी हमसे हो सके हम वहाँ पर शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और हम आपके साथ ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे। मैथ और रीजनिंग के आपको जीरो डिजिट पे शेयर करेंगे, और जनरल साइंस के सारे नीट साइंस स्कॉलर्स चैनल पे शेयर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।